दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में रैली को संबोधित करेंगे। रैली सुबह 10 बजे शुरू होगी। मोदी का भाषण 11:15 बजे के आसपास होगा। हेलो, मोदी की रैली का आयोजन रोहिणी सेक्टर से यहाँ के जैपनीज पार्क में किया गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि रैली में कम से कम 5 लाख लोग आएंगे। मोदी की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी ने दिल्ली में करीब 100 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाने का फैसला किया है। मोदी की रैली दिल्ली में हो रही है, लेकिन इसमें आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और जेटली जैसे बड़े नेता नहीं होंगे। उनके साथ दिल्ली बीजेपी के नेताओं के अलावा केवल दिल्ली चुनाव के प्रवक्ता नितिन गडकरी ही होंगे। दिल्ली के रोहिणी में होने वाली मोदी की रैली में आने वाले लोगों को मुफ्त में मेट्रो टोकन बांटेगी बीजेपी। बीजेपी ने करार के तहत दिल्ली मेट्रो से 50,000 मेट्रो टोकन खरीदे हैं। दिल्ली बीजेपी माइनॉरिटी सेल ने शुक्रवार को दिल्ली के सभी मस्जिदों में पर्चे बांटकर मोदी की रैली का बुलावा दिया। पर्चे में कहा गया है कि मोदी ने नफरत क्यों। पर्चे के आखिरी पन्ने पर यह भी लिखा है कि बीजेपी और मोदी को भरोसा दिया जाए। नरेंद्र मोदी की दिल्ली में आज होने वाली रैली में शामिल नहीं होंगे अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्रपति। बीजेपी ने दिल्ली रैली में शामिल होने का दावा करीब 50 विदेशी मुसलमानों को भेजा था, जिसमें से 36 देशों के राजनयिकों ने आने की हामी भरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को होने वाली मोदी की रैली को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। पुलिस ने रोहिणी इलाके की तरफ जाने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफिक की बात कही और लोगों से सार्वजनिक परिवहनों के इस्तेमाल का आग्रह किया है। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के चुनाव समिति पर चर्चा होगी। बैठक में नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। बैठक 6 बजे दिल्ली में पार्टी के दफ्तर में होगी। थोड़ा और बारीक करना। बिहार के कृषि मंत्री और जेडीयू नेता नरेंद्र सिंह ने दिया है विवादित बयान। नरेंद्र सिंह ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें आदमखोर हत्यारा कह डाला। कुछ भी ये ना, ये जो आगे का है ना, ये आपको सूट नहीं कर रहा है। बहुत ही पूरा पंच जत्था हो गया आगे। सफेद बाल है। सॉरी, हाँ मैंने शॉर्ट, ये शॉर्ट तो होना है, बट दैट्स इट। मोहनटेक सिंह के भाई ने ब्लॉग में लिखा है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तब वो हम सबके प्रधानमंत्री बने थे। वो केवल कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सीएम नहीं बने। हाँ जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोहनटेक सिंह, हाँ ठीक है, गिव मी 10 मिनट्स, ओके, फिनिशिंग विद दिस। हाँ हाँ, बस वही वही। हाँ जी ठीक है, परफेक्ट। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोहनटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा संजीव अहलूवालिया 1980 बैच के IAS अफसर और वो पिछले साल ही रिटायर हुए। वो सुधार के बैंक में भी काम कर चुके हैं। मोहनटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। मोहनटेक सिंह अहलूवालिया मनमोहन सिंह के काफी करीब माने जाते हैं और चर्चा की 2009 में मनमोहन सिंह मोहनटेक सिंह अहलूवालिया को ही वित्त मंत्री बनाना चाह रहे हैं। आज ही नाम से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात होगी। भारतीय समय के मुताबिक दोनों के बीच शाम 7:30 बजे मुलाकात होगी। नवाज शरीफ से मुलाकात से पहले संयुक्त राष्ट्र ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे।
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की होने वाली मुलाकात को लेकर कहा कि भारत पाकिस्तान से आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा और उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान की नई सरकार इस मसले पर ध्यान देगी। सबसे
Give this winter a warm welcome with Warmix water heaters. Futuristic features, dazzling designs. Warmix, home appliances since 1969. Hello. So why don't you, instead of waiting there, why don't you come to the shop where it is? ठीक है? अभी हाँ. Now if you जब station की तरफ वापस चलो, ठीक है? Okay. East में ही. But come walk back to the station, okay? और जो छोटा गली जाता है, there's on the left there's a main road and straight ahead छोटा गली है, ठीक है? हाँ. Dude, I told you Swaminarayan temple. Why don't you get the point? Swaminarayan mandir. हाँ, so what I'm trying to tell you is that आप ऐसे करो ना, जो आप सामने जो आपको दिख रहा है छोटा गली जा रहा है, in fact with the Sri Krishna refreshments and then there's a street that goes. हाँ, वो ले लो and on. वो मुझे याद नहीं अभी. Okay, तो you just हाँ. नहीं, श्री कृष्ण के सामने खड़े हो तो राइट में जो गली जाती है, श्री कृष्ण से लेफ्ट नहीं, आगे जाकर राइट लेना है, ठीक है? और वहां थोड़ा आगे लेफ्ट पे देयर इज अ शॉप कॉल्ड मैजिक सीजर्स. सीजर्स 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 लाइक कैंची. हाँ जी, ऑन योर लेफ्ट साइड वंस यू गेट इन टू द स्ट्रीट इट्स अ लिटिल अहेड. ठीक है, आ जाओ वहां पर. लगभग 47 घंटों के बाद डॉकयार्ड रोड के बाबू के मार्ग पर जो इमारत है ये भी उसको बचाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, सदमियों को निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो खत्म हो चुका है. एनडीआरएफ की तरफ से ये जारी कर दिया है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन उनकी तरफ से खत्म हो जाए. यूपी के मेरठ में आज बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी. इलाके में एहतियातन अर्धसैनिक बलों की 32 कंपनियां तैनात कर दी गई. बीजेपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी के विरोध में सरधना थाने के खेड़ा गांव में ये महापंचायत बुलाई गई है. चेन्नई में बीसीसीआई के आज होने वाली एजीएम की बैठक में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा. एन श्रीनिवासन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया. श्रीनिवासन का निर्विरोध चुनाव जाना तय है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जीतने पर भी श्रीनिवासन को उनके खिलाफ याचिका की निपटारे तक अध्यक्ष पद का काम और अधिकार नहीं मिलेगा. इस साल की विश्व कुंडली बनी हुई फिलीपींस ने लिया. इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास बाली द्वीप में हुई प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर ऑफ रही मिस फ्रांस मरीन लोपेज और सेकंड रनर ऑफ रही मिस घाना कैरल लगान ना उपायरा कूटर मिस इंडिया नवनीत कौर इंग्लैंड टॉप 10 में नहीं पहुंच पाए. टीवी न्यूज की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री ने आज सुबह 10 बजे देखी. क्या अदालत में इंदिरा गांधी की हार बनी देश में इमरजेंसी की वजह? टीवी पर पहली बार देखी इमरजेंसी की असली कहानी. हेलो हेलो क्या आया?
हाँ स्ट्रेट अहेड ऑन द लेफ्ट साइड यू सी मैजिक सीजर्स, सामने सरस्वत बैंक है, हाँ उसके उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट. Sit here. I'm just finishing with this one. My God, you took such a like a lot of time to find the place. Yeah, we were exactly there. Sit. I called you because there's AC here, so you don't have to stand out in the heat. So. How did you reach the west? Huh? West ke se pahunch gaye. Mujhe wo lag raha hai. पूछते तो सही. ठीक है चल 10 मिनट्स मोर. जब ब्रेक हो तो एंटरटेनमेंट बनता है ना, क्रिएशन सोनी लिप.com
सोनी चैनल के सभी शो पिछले 18 साल से पिछली रात तक, तो sonylive.com पे मत जाइए, देख लो, जल्दी देख लो। देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।